नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई होगी, खास करके जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। आज जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, इससे पहले हम कल या परसों हम बताए थे कि एकदम उल्टी घड़ी चल रही है। कभी भी आपके मोबाइल पर जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है और हमने बताया था कि उसमें 1700 प्लस होने वाला भर्ती है। देखिए, लेकिन 1700 भी मतलब पार कर गया। हम एक बात बोले थे कि उसमें 2000 कहीं नहीं हो जाए। 1929 कुल मिला के 1929 पोस्ट आया। ये एक बहुत बड़ी मायने रखता। बताइए, बिहार दरोगा में 1275 सीटी आता है और इसमें 1929, तो इतना बड़ा पोस्ट मतलब बहुत बड़े वैकेंसी इसको कह सकते हैं। बीपीएससी के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिला था और शायद मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कभी देखने को मिलेगा। शायद संजोग कभी हो सकता है ऐसा में भी, लेकिन बहुत मुश्किल है। देखिए, ज़्यादा समय गंवाए बिना एक मतलब इस पर आते हैं, लेकिन एक चीज़ और बताते हैं। एक कहता है ना, रात कितनी भी अंधेरी हो या रात कितनी भी लंबी हो, लेकिन सुबह एक ना एक दिन सवेरा होना ही है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास भी मतलब कठिनाइयाँ हैं, तो कठिनाइयों के बाद एक कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में एक उन्नति का मार्ग जरूर खुलेगा। आइए सबसे पहले वीडियो में देखते हैं कि कितना सीट आया था, कौन पोस्ट के लिए कितना था। देखिए, अनुमंडल ये पद का नाम है और ये वेतनमान है और ये पदों की संख्या है। देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी जिसको आप लोग एसडीएम कहेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी जिसको आप लोग एसडीएम यानी आप लोग यानी नहीं सब एसडीएम कहते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी का पोस्ट है। लेवल 9 का पोस्ट है और 200 सीट था। ठीक है, लेवल 9 का पोस्ट और 200 सीट था। उसके बाद देखिए, ये डीएसपी, ये जो है बिहार पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सेवा में जो है पुलिस उपाधीक्षक, यानी आप इसको कह सकते हैं डीएसपी। ठीक है, ये डीएसपी का पोस्ट है लेवल 9 का और 136 पोस्ट है ये भी। उसके बाद राज्य कर आयुक्त, राज्य कर आयुक्त ये वित्त विभाग से संबंधित है। इनका लेवल 9 है और इनका भी पदों की संख्या 168 है। उसके बाद विभिन्न पदों में के रिक्तियां लेवल 9 का 170। इसमें देखिए, विभिन्न पदों मतलब बीपीएससी में और सब जो पोस्ट है उनके लिए ये भर्ती है। मतलब उसमें बताया नहीं गया, इसके अंदर बहुत 5-6 पोस्ट आता होगा, तो उसके लिए बताया लेवल 9 का। ये सभी जो इसमें आएगा ये लेवल 9 का पोस्ट होगा और इनमें 174 पोस्ट है। और ग्रामीण विकास पदाधिकारी का जो पोस्ट है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी का ये भी लेवल 9 का पोस्ट है और इनका भी पोस्ट की संख्या 393 है, ये भी कम नहीं। उसके बाद राजस्व अधिकारी का पोस्ट, राजस्व अधिकारी का पोस्ट जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर आरओ जो कहते हैं, जो मतलब इसको कह सकते हैं कि आपके जो जाति आय और पर जो सिग्नेचर होता है इन्हीं का रहता है। ठीक है, लेवल 7 का ये पोस्ट है और 287 इनका भी पोस्ट है। 287 लेवल 7 का, ये लेवल 7 आ गया। और इसके बाद आपूर्ति निरीक्षक का जो पोस्ट है ये भी लेवल 7 का है। आपूर्ति निरीक्षक का जो पोस्ट है ये भी लेवल 7 का और 233 पोस्ट है, ये भी 233 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित है ये। इनका भी लेवल 7 का पोस्ट है, ये लेवल 7 का पोस्ट है और इनको कह सकते हैं आप 125 जो है, इनकी पोस्ट की संख्या 125 है और विभिन्न पदों की संख्या जो रिक्त है वो लेवल 7 का और 213 है। इसमें एक बात और कह दें कि इसमें हमको सुनने में आया कि 1923 जो पोस्ट टोटल हुआ है, कुल मिला के जो पोस्ट है ये 1923 है। इसमें और बढ़ोतरी होगी, इसमें और बढ़ोतरी होगी और इसको हो सकता है कि 2000 के आसपास कर दिया जाए। एक विभाग ऐसा है जो अभी तक अपना रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया, इसलिए आपको 1923 भर्ती देखने को मिला। हो सकता है 64-65 पोस्ट इसमें और जोड़ा जाए और ये भर्ती 2000 हो जाए। अगर इसमें आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जोर शोर से तैयारी करिए और आपकी भी अगर रात अंधेरी है तो आपको भी सुबह देखने का मौका मिलेगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसके पिछले जो वीडियो बताए थे और आज जो वीडियो बनाए आप खुद ही देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं। उसी के आधार पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। जय हिंद सर।